मेरा नाम है तन्वी टोपवाल और आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस वक्त जो थे उस वक्त हमारे देश को क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किसके क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस थे जो उस वक्त हमारे देश को गुजरना पड़ा उन चैलेंजेस से। तो आज हम वही सब चैलेंजेस इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स जो हम मेनली कवर करेंगे वो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, दूसरा टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, थर्ड टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और फोर्थ टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ये चार टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज, और इसके हम अभी शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन का मतलब है कि अब हमारा देश जब आज़ाद हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो अब हमारे देश में ऐसी क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसको फेस करनी पड़ी है, इसी को कहते हैं चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। क्योंकि उस वक्त ये नया नया आज़ाद हुआ था और अभी उसे ठीक से अपने आप को गवर्न करना आता भी नहीं था, तो इस वजह से क्या क्या चैलेंजेस हो रहे थे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और इस टॉपिक में हम इन्हीं चैलेंजेस को अभी देखेंगे। तो बेसिकली हमारा देश है वो जब इंडिपेंडेंट हुआ था वो हुआ था 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। तो मिडनाइट पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या करा, 14-15 रात की आधी रात थी उसमें उन्होंने एक स्पीच दी, एक स्पेशल सेशन बिठाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उन्होंने एक फ्री इंडिया, एक आज़ाद भारत को एक स्पीच दिया और उस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो दो चीज़ें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी वो ये थी, हमारे लीडर्स ने जो दो चीज़ें डिसाइड करी थी, बेसिकली सारे लीडर्स जो दो चीज़ों पे कह रहे थे कि ये दो चीज़ें ज़रूरी है इस देश में होना, वो दो चीज़ें ये थी। पहली ये कि हमें हमारी कंट्री को डेमोक्रेसी से ही चलाना है, मतलब हम लोगों को अब कोई हम लोग राजा महाराजाओं के शासन में नहीं रहने वाले हैं या और किसी चीज़ को नहीं अपनाएंगे। इकलौता जो हम अब हम जो अपनी गवर्नमेंट अपनाना चाहते हैं वो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे हर इंसान की एक आवाज़ हो, हर इंसान एक अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो फिर ये हमारा पहला गोल था कि हाँ, हमें जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही हम लोग चलाएंगे और डेमोक्रेटिकली ही चलाएंगे। उसके बाद जो दूसरी बात सामने आती है कि हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दूसरा गोल सामने आता है कि जिस पे सबके सब राजी हो गए थे वो ये थे कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत सारे लोग थे जो सोशली डिसएडवांटेज थे, जो पुअर थे, बैकवर्ड थे, गरीब थे, ठीक है, उन सबको अब ऊपर लाना है। जो जनरल पॉपुलेशन है, एक जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, उस सबसे ऊपर लाना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। तो अब हमारा जो मेन पर्पस, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए वो यही था कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हमें उनका ध्यान रखना है और उनको भी ऊपर लाना है, जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए पॉलिसीज निकाले और इनको भी ऊपर लाए और गरीबी रेखा से ऊपर लाए। ये हमारे दो गोल्स थे जो क्लियर थे उस वक्त। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पार्टीशन आया, जो हमारा इंडिपेंडेंस आया था वो पार्टीशन के साथ आया था। इंडिया आज़ाद ज़रूर हुआ था बट उसके साथ ही साथ एक नया देश भी उस वक्त बना था जो था पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थी वो सारी हमारी पाकिस्तान को चली गई थी, और इस बारे में हम इस चैप्टर में अभी आगे और पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी आज़ादी आई थी वो आई तो थी पर एक पार्टीशन के साथ आई थी, जो काफ़ी सारे लोग हैं वो अलग अलग हो गए थे, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, और इन सब चीज़ों के रहते हुए
अब ये सब चीजें भी चल रही हैं, और हमारे लीडर्स को क्या करना था, हमारे लीडर्स को उस वक्त अब हमारा जो भारत है, हमारा जो नेशन है, उसको आगे बढ़ाने की सोचनी थी। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के रहते हुए सब लोग ये सोचते थे उस वक्त, पूरा जो दुनिया है वो ये सोचती थी कि एक ऐसी कंट्री को यूनाइटेड, एक ऐसी कंट्री को साथ में रखकर आगे बढ़ना एक बहुत ही मुश्किल भरा टास्क है। और अब इसको आगे लाने के लिए हम लीडर्स ने जो तीन मेन चैलेंजेस जो उन्होंने फेस करे, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लीडर्स के जो लीडर्स हैं हमारे, जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग अब जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, और उनके दिमाग में क्या था कि अब कौन कौन से चैलेंजेस हमारे लीडर्स को फेस करने पड़ेंगे इस राष्ट्र को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला जो चैलेंज उन्होंने फेस किया, जो पहली कठिनाई उनके सामने आई, वो ये थी कि उनको एक नेशन बनाना था जो यूनाइटेड हो, उसके बावजूद भी वो जितनी भी डाइवर्सिटी है नेशन की उसको अकोमोडेट कर सके। अब इसका मतलब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे देश में, और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद अब उसको एक साथ रखना बहुत मुश्किल काम है। उस वक्त पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया ये मानती थी कि अगर एक कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, इतने ज़्यादा रिलीजन है, इतनी ज़्यादा भाषा के लोग, इतनी सारी भाषाओं में लोग बात करते हैं, और इतनी सारे जो कल्चर्स हैं, अब इन सारे कल्चर्स को, सारे रिलीजन, सारी लैंग्वेजेस को साथ में रख के आगे बढ़ाना एक टास्क है जो इम्पॉसिबल है। ये बाहर जितने भी बाकी की जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उनका ये मानना था, जो आउटसाइड व्यूअर्स थे उनका ये मानना था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी में एक देश नहीं चल सकता। बट यही हमारे लीडर्स ने चैलेंज लिया कि हम एक ऐसा नेशन बिल्ड करेंगे, हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर होने के बावजूद वो देश एक रहेगा और साथ रहेगा और यूनाइटेड रहेगा। ये उन्होंने सबसे पहला चैलेंज दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैलेंज आता है वो है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जितने भी राजा महाराजा ये सबके सब रूल करते थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने रूल करा, कलोनियल गवर्नमेंट का रूल था। और अब इसलिए जो हमारी जो हमारे लीडर्स हैं वो चाहते थे कि अब बहुत हो गया, अब हमारे देश में जो आएगा वो डेमोक्रेसी आएगी जहाँ पे सबकी आवाज़ सुननी जाए, सबके व्यू पॉइंट को, सबकी थिंकिंग को, सबकी आइडियोलॉजी को, सबके व्यू पॉइंट को एक महत्व दिया जाए और हर बात कि एक जगह हो इस देश में। टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये हमारा दूसरा चैलेंज था। लीडर्स के चाहते थे कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए ताकि जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी रिलीजन, जितने भी हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी हो, उन सबके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर हो जो उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी मांग है उनको आगे ला सके, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी आगे ला सके, ताकि उनका सोल्यूशन ढूंढ पाए। तो इसलिए सेकंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हमारा थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था वो ये था कि अब उन लोगों को एक नेशन बनाना था जिसमें डेवलपमेंट हो, डेवलप्ड नेशन हो, आगे बढ़े वो नेशन, पर उसके साथ साथ जो पूरी सोसाइटी है, जो उसकी सोसाइटी है, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी भी वेलबींग की चिंता हो। यहाँ पे वो यही चाहते थे कि अब जब नेशन आज़ाद हो चुका है और उसके लोग आज़ाद हो चुके हैं, तो अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होना चाहिए कि कैसे उन लोगों को आगे ला सके, कैसे उन लोगों का वेलबींग इंश्योर कर सके, और स्पेशली वो लोग जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या फिर जो कल्चरल माइनॉरिटीज है जिनको कभी चांस ही नहीं मिला है आगे आके अपनी बात रखने का, या कुछ भी ऐसी अपना कोई व्यू पॉइंट रखने का, या सोशली डिसएडवांटेज को कभी भी एक अप्रोप्रिएट चांस नहीं मिला कि वो एक गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा नेशन बनाना था जो
जहाँ पे एक तरफ अपने डेवलपमेंट का तो सोच ही रहा है इकोनॉमिकली, बट उसके साथ साथ जो पूरी जो 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 पूरे जो लोग हैं, जो इस देश के जो लोग हैं, उनको भी साथ रख के आगे बढ़े और उनको भी आगे बढ़ा सके, और जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जो उस वक्त सबसे ज्यादा तादाद में थे, जो सबसे ज्यादा लोग थे वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थी, जो गरीबी रेखा के नीचे थी, उनको किसी तरह ऊपर ला सके। तो ये पूरा टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। इसमें हम आगे यही देखेंगे, इसमें हम सबने यही पढ़ा कि कैसे हमारे लीडर्स ने डिसाइड करा कि हाँ हमें एक नेशन बिल्ड करना है, पर उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि हमें एक ऐसा नेशन बिल्ड करना है जिसमें एक तरफ डाइवर्सिटी है पर उसके बावजूद भी यूनिटी रहे। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज उन्होंने डिसाइड किया था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब वो कोई भी किंगडम रूल या प्रिंसली रूल या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने करा था ऐसा कोई रूल नहीं चाहती, वो एक डेमोक्रेसी चाहती है। और जो थर्ड उन्होंने चैलेंज डिसाइड किया फेस करने का, वो ये था कि जो डेवलपमेंट और वेलबींग है एंटायर नेशन की, जो डेवलपमेंट और वेलबींग है पूरे नेशन की, स्पेशली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की, उसको सबसे ऊपर रखना है। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं वो अब ऊपर आए, गरीबी रेखा से ऊपर आए, और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप स्पेशली अब नीचे ना रहे और उनको भी एक चांस मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ऊपर आ सके।